अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और 2.4 में हमारे पास इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपके पास कुछ ट्रुथ टेबल्स दिए हुए हैं, सिंबॉलिक लॉजिक, ये आपको टेबल पता होना चाहिए, पेज नंबर 48 पे है। कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे, जो आपके पास पहला सिंबल है इसको हम रीड करते हैं नॉट, और इसे लिखते हैं नॉट ऑफ पी, यानी निगेशन ऑफ पी, कि अगर हमारे पास ट्रू है तो उसका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। ये भी टेबल की फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी। इस सिंबल को हम कहते हैं एंड, इसको रीड करते हैं पी एंड क्यू। ये जो आपके पास थर्ड सिंबल है इसे हम रीड करते हैं और, पी और क्यू। इफ़ देन इम्प्लाइज़, यानी इफ पी देन इम्प्लाइज़ क्यू। और जो आपके पास डबल एरो वाला है इसे हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन, यानी कि पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू। तो सिंबॉलिक लॉजिक्स के लिए आपने जो ट्रुथ टेबल्स जहन में रखने हैं वो आपके पास ये वाले हैं, कुछ ट्रुथ टेबल्स, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं निगेशन वाला टेबल। निगेशन वाले टेबल में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो ही पी है, एक ही सेट है पी, या तो वो ट्रू होगा या हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो उसका नॉट ऑफ पी हमारे पास बनेगा फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो उसका नॉट ऑफ पी क्या बनेगा, ट्रू। कंजक्शन में हमारे पास क्या होता है, जस्ट लाइक इन इंटरसेक्शन होता है हमारे पास, सिर्फ एक निशानी के लिए आपको बता रही हूँ, पी एंड क्यू। इस कंजक्शन में हमारे पास जब दोनों ट्रू होते हैं, सिर्फ उसी केस में हमारे पास आंसर ट्रू आता है। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हों, सिर्फ उसी केस में आंसर ट्रू आता है। अगर एक भी इनमें से फॉल्स हो गया तो सारे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, यही पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। पी को हमने ले लिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू को ले लिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पॉसिबल पेयर्स हमारे पास यही बनते हैं। अगर हम डिसजंक्शन की बात करें पी और क्यू में, पी और क्यू में सिर्फ एक ही केस में फॉल्स आएगा अगर आपके पास दोनों फॉल्स हैं। अगर उनमें कोई एक भी ट्रू आता है तो हमारे पास ये जस्ट लाइक यूनियन होता है, हमारे पास ये आंसर्स क्या होंगे, सारे के सारे ट्रू। सिर्फ फॉल्स कब होगा, जब आपके पास दोनों फॉल्स होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडीशनल, और फिर आ जाएगा हमारे पास बाय कंडीशनल। जो हम कंडीशनल करते हैं, यहाँ पे आपके पास इस पेज नंबर 50 पे कंडीशनल दिया हुआ है। कंडीशनल में सिर्फ तब आपके पास फॉल्स आएगा जब पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स हो। जब आपके पास पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स हो सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी सारे आंसर्स आपके पास क्या होंगे, ट्रू। और जो बाय कंडीशनल हम करते हैं, बाय कंडीशनल आपके पास यहाँ इस टेबल में दिया हुआ है। बाय कंडीशनल में ये होगा कि अगर आपके पास दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हों तो सिर्फ तब आपके पास ट्रू होगा, और बाकी सारे केसेस में आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। तो ये ट्रुथ टेबल्स, पांच ट्रुथ टेबल्स अगर आपको याद हैं तो इनको यूज़ करते हुए आप एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 दोनों कर सकते हैं। 2.4 और 2.5 में से एक क्वेश्चन लाजमी एग्जाम्स में आता है, 2.4 और 2.5, और ये रिड्यूस सिलेबस में आपने सारे क्वेश्चंस करने भी हैं इसके 2.4 और 2.5 के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपको इन्होंने ये कहा है कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इनका कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट, पहला पार्ट क्या है, नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इसका हमने लिखना है कन्वर्स। इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा कि ये अपनी प्लेस चेंज कर देंगे, तो ये बनेगा क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी, कन्वर्स कर दिया हमने इसको। फिर इसका इनवर्स बताना है हमने, ये जो गिवन क्वेश्चन पहला पार्ट है इसका इनवर्स बताना है। तो इनवर्स में क्या होगा कि पी का इनवर्स हमारे पास, नॉट ऑफ पी का इनवर्स पी हो जाएगा, और इम्प्लाइज क्यू का जो इनवर्स है हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमारे पास क्या होगा कि ये जो इनवर्स है, इस इनवर्स का आप कन्वर्स ले लें तो वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, यानी नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये सारे पार्ट्स आपने इसी तरह से करने हैं, दूसरा तीसरा और चौथा। कन्वर्स में क्या करना है, इसका ऑपोजिट, नॉट ऑफ पी का कन्वर्स में हमने
इसका ऑपोजिट कर लेना है, यानी क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी। इनवर्स क्या होगा, इनवर्स नॉट ऑफ पी का इनवर्स पी है और क्यू का इनवर्स नॉट ऑफ क्यू, और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो इनवर्स के आंसर का कन्वर्स होता है, यानी प्लेस चेंज कर देते हैं, नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। अब क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करें ट्रूथ टेबल इन सारे स्टेटमेंट्स के लिए। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी और पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पी भी है और क्यू भी है, तो ये पी का कॉलम हो गया, ये हमारे पास क्यू का कॉलम हो गया, फिर नॉट ऑफ पी भी चाहिए आपको, ये नॉट ऑफ पी का कॉलम हो गया, फिर किसका कॉलम चाहिए, पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी, पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी का कॉलम, फिर किसका कॉलम चाहिए आपको, पी इम्प्लाइज क्यू का, पी इम्प्लाइज क्यू का कॉलम भी आ गया। अब ये जो दोनों हैं जो फाइंड करने थे उनका और भी लेना है, तो पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी और पी इम्प्लाइज क्यू का कॉलम भी आ गया ऐसे, ठीक है। अब आपने पॉसिबल केसेस पी और क्यू के लेने, हमेशा आपने यही लेने हैं पी और क्यू, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी हमने फिक्स कर लिया, अब क्यू में अल्टरनेट पोजिशंस ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हमेशा पी और क्यू को आपने यही लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नॉट ऑफ पी लिखना है, नॉट ऑफ पी, पी का नॉट, तो ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का नॉट ट्रू एंड फॉल्स का नॉट ट्रू। अब क्या चाहिए, पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी, ये पी है और ये नॉट ऑफ पी है, तो पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी। तो ये देखिए जो इम्प्लाइज की कंडीशन है इसमें सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और सेकेंड फॉल्स हो, बाकी सारे केसेस में ट्रू होता है। अब देखो, पहला ट्रू और अगला फॉल्स हो तो फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू है और अगला फॉल्स है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स, पहला ट्रू है और अगला फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, बाकी सारे केसेस में यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, तो फॉल्स ट्रू पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू। तो ये टेबल आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे। अब पी इम्प्लाइज क्यू, अब इन दोनों का इम्प्लाइज देखना है, तो जब पहला ट्रू और अगला फॉल्स हो सिर्फ तभी फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में हमारे पास आंसर क्या होता है, ट्रू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो दो कंडीशंस आई हैं ये इनका क्या लेना है हमने, और में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स हो तो सिर्फ तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज सब में ट्रू, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। देखो अब इन दोनों में एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ये ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों इनमें भी ट्रू है तो ये ट्रू आ गया ये। और में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स हो सिर्फ तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज सब क्या होते हैं, ट्रू। तो ये आपका यहाँ पे ट्रूथ टेबल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर थ्री का बाकी आप सेकंड और थर्ड पार्ट इसी तरह से खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट कर लेते हैं, कोई थर्ड वाला कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर थ्री में शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टॉटोलॉजी, यानी कि पहले तो हमने इसमें ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर हमने देखना है कि जो फाइनल कॉलम आया है ये किस तरह के आंसर्स आए हैं। अगर सारे आंसर्स ट्रू आए तो उसको हम टॉटोलॉजी कहते हैं। ये आपके पेज नंबर 53 और 54 पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, 53 एंड 54 पे। अगर सारे आंसर्स ट्रू आए तो वो टॉटोलॉजी है, तो अगर जिस पार्ट में भी सारे आंसर्स ट्रू आएंगे तो आप कहोगे गिवन स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी। थर्ड पार्ट है, क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे, नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास। पी का कॉलम बनाना है, क्यू का कॉलम बनाना है, पी इम्प्लाइज क्यू का कॉलम बनाना है, और फिर पी इम्प्लाइज क्यू का नॉट भी लेना है, नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर फाइनली इस पूरे का इम्प्लाय किसके साथ लेना है, पी के साथ, तो नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का इम्प्लाइज पी के साथ।
हमेशा आपने क्या करना होता है, पी और क्यू को फिक्स करना होता है। पी को लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू को लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू में सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और सेकेंड फॉल्स हो। तो पहला ट्रू और सेकेंड फॉल्स हो तो सिर्फ तभी फॉल्स होता है, और बाकी सारे केसेस में क्या आता है, ट्रू। अब P implies Q का नॉट लेना है, ऑपोजिट लेना है, तो इसका हम ऑपोजिट लेंगे। ट्रू का ऑपोजिट नॉट क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स का नॉट ट्रू, ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स। ट्रू का फॉल्स। अब ये जो आंसर आया इसका इम्प्लाइज किसके साथ लेना है, P के साथ। पहले इसको रखना है और फिर किसको रखना है, P को। तो पहले ये है और फिर ये है, पहला फॉल्स अगला ट्रू, तो ये क्या है, ट्रू। पहला ट्रू अगला ट्रू, ट्रू। पहला फॉल्स अगला फॉल्स, फॉल्स, सॉरी ट्रू। पहला फॉल्स अगला फॉल्स, ट्रू। सिर्फ तभी फॉल्स आता है एम्प्लाइज में अगर पहला ट्रू हो और अगला फॉल्स हो। तो देखो सारी स्टेटमेंट फाइनल वाली ट्रू है, सो इट इज अ टॉटोलॉजी। अगर एक भी फॉल्स आ जाता तो ये टॉटोलॉजी के बजाय हमारे पास बन जाता कॉन्टीजेंसी। अगर मिक्स आ जाते हैं ना, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स मिक्स आ जाते हैं तो वो कॉन्टीजेंसी होता है। अगर सारे फॉल्स आ जाएं आंसर्स तो उसे एब्सर्डिटी कहते हैं, और अगर सारे ट्रू आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और एब्सर्डिटी। ये टेबल बनाएंगे तीनों, ये आप बनाएंगे अब। ठीक है, मैंने आपको सारे हर किसी का एक पार्ट प्रैक्टिस करा दिया, अब आप ये इजीली बना सकते हैं। क्या करना है आपने, इनके ट्रूथ टेबल बनाने हैं। अगर फाइनल कॉलम, लास्ट वाला कॉलम सारा ट्रू आए तो कहेंगे टॉटोलॉजी है, अगर ट्रू फॉल्स मिक्स आ जाएं तो कहेंगे कॉन्टीजेंसी है, और अगर सारे फॉल्स आ जाएं तो हम कहेंगे एब्सर्डिटी है। ठीक है, हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट वाला। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्रूफ करें पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और पी क्यू इक्वल है पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट अलग बनानी है और राइट साइड की स्टेटमेंट्स अलग बनानी है। तो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर दोनों के फाइनल कॉलम सेम आ गए तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, और पी एंड क्यू। एक पी का कॉलम फिक्स किया, एक क्यू का कॉलम फिक्स किया, नॉट ऑफ पी चाहिए मुझे इसमें, नॉट ऑफ क्यू चाहिए मुझे इसमें, फिर नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू चाहिए, फिर पी एंड क्यू भी चाहिए, फिर इन दोनों का और चाहिए, पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, फिर इस सारे का और लेना है इस लास्ट वाले के साथ, पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू और P and Q, ये आखिरी वाला मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब P और Q को फिक्स करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमने इसको फिल करना है अपना इसी को यूज करते हुए, ये जो हमारे पास सारे टेबल हैं। ठीक है, नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P यानी P का ऑपोजिट, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। अब नॉट ऑफ क्यू यानी क्यू का ऑपोजिट, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू आ गया। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, एंड। इन दोनों का हमने लेना है एंड, सिर्फ जब दोनों ट्रू हो सिर्फ तभी ट्रू आता है, अदरवाइज सारे फॉल्स आते हैं। ठीक है, इन दोनों का एंड लेना है, जब दोनों ट्रू होंगे तो सिर्फ तभी ट्रू आएगा। तो दोनों ट्रू यहाँ है तो सिर्फ तभी ट्रू आया, और अगर एक भी फॉल्स आया है तो सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स। बिल्कुल ये इंटरसेक्शन की तरह ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब पी एंड क्यू, P
पी और क्यू का, जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तभी ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में क्या आएंगे हमारे पास, फॉल्स, जस्ट लाइक इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इसका और किसके साथ लेना है, पी के साथ, ये और ये दोनों कॉलम यूज होंगे। तो और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स हों, जब दोनों फॉल्स हों सिर्फ तभी फॉल्स आता है, ये इनमें दोनों फॉल्स कहाँ, बाकी सब में ट्रू आएगा, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा और ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आंसर आया यहाँ तक इसका और लेना है इसके साथ, इन दोनों का और लेना है अब। ठीक है, जब दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में क्या आएगा, ये देखो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में क्या आ गया, ट्रू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मुझे सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या आता है मेरे पास, राइट हैंड साइड है पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, अच्छा पहले पी बना लिया, फिर क्यू बना लिया, नॉट ऑफ पी बना लिया, नॉट ऑफ क्यू बना लिया, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, पी को फिक्स करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, हमेशा पी और क्यू यही लेना, क्यू को लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अच्छा नॉट ऑफ पी यानी पी का ऑपोजिट, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू और ये ट्रू, क्यू का नॉट लेना है अब, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन एंड लेना है। ठीक है, तो वो एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू हों सिर्फ तभी ट्रू आता है, दोनों ट्रू ये रहे, सिर्फ तभी ट्रू आएगा और बाकी सारे केसेस में क्या आएगा, फॉल्स। अब पी का और लेना है इस कॉलम के साथ, ये देखें पी का और लेना है इसके साथ, तो और में क्या आता है हमारे पास, जब दोनों फॉल्स हों तो सिर्फ तभी फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू। तो ये सिर्फ ये देखें यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, तो ये फॉल्स हो गया, बाकी सारे क्या आ गए, ट्रू। तो अगर आप देखें ये फाइनल आंसर और ये फाइनल आंसर बिल्कुल सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। 2.4 के बाद हम 2.5 करेंगे, 2.5 भी सारी इसी के ऊपर बेस करती है। इन दोनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपका लाजमी पेपर में आता है, तो ये आपने बहुत ध्यान से दोनों एक्सरसाइजेस करनी है। बस सिर्फ आपने सिर्फ ये टेबल की निशानियां जहन में रखनी है, अगर ये टेबल आपको 5 टेबल की निशानियां जहन में हैं तो आप ये दोनों एक्सरसाइजेस आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं।